वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपको सुनाते हैं। ये तो पार्टी का कोई अनुशासन तोड़ता है और बेवजह का आपत्तिजनक बयान देता है तो उस पर पार्टी का नेतृत्व संज्ञान लेता है और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव पारित हो गया था कि महागठबंधन पर कोई भी तरह का बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी या डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही देंगे। इसके बावजूद लगातार बेवजह का आपत्तिजनक बयान देकर पार्टी नेतृत्व को असहज कर रहे थे और महागठबंधन धर्म का भी अवहेलना किया जा रहा था। तो महागठबंधन आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने बनाई है बड़े उद्देश्य के लिए। उद्देश्यों से भटकना या भटकाने का प्रयास करना ये कहीं ना कहीं हमारे विरोधियों को मौका दे रहे थे। सुधाकर सिंह राजद के माननीय विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है अनुशासन का, लेकिन जो आरोप है वो गंभीर किस्म के राजद के शीर्ष नेतृत्व ने लगाया है। पहला कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं करना, राजद नेतृत्व की बात नहीं मानना और वैसी ताकतों के साथ खेलना जो संविधान को रौंद रहा है, यह तो अस्पष्टता के साथ पूरी बात आ गई है। और देश के अंदर बिहार एक नज़ीर बना है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले हो गई और सारे गैर भाजपा दल एकजुट हो गए, तो ऐसी स्थिति में यह कार्रवाई किया जाना प्रथम दृष्टया यह लगता है कि एहसास हुआ है कि उसने बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध किया है। श्री तेजस्वी यादव जी, सिर्फ सुधाकर सिंह को 15 दिनों का नोटिस, इसके पहले आपने आदित्य सिंह जी को निकाला, सुधाकर सिंह जी को निकाला, शिवानंद तिवारी जी पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, शर्म लग रहा है क्या? भाई वीरेंद्र पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, शर्म लग रहा है क्या? मुख्यमंत्री के दबाव में कुर्सी बचाने के लिए 15 दिनों का नोटिस, अरे आप में दम है तो निकाल करके दिखा दीजिए, आप में दम नहीं है। बलि का बकरा कितना दिन बनाइए गए आप लोगों को कुर्सी के लिए, आदित्य सिंह और सुधाकर सिंह का ही बलि नहीं लीजिए, दम है तो भाई वीरेंद्र और श्री चंद्रशेखर को हटा करके देखिए, जो हिंदुओं का अपमान किए हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान भी आ गया है, अगर दम है तो श्री चंद्रशेखर को हटाइए।